हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो जो हमारा नैनीताल ट्रिप चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। कल से हम लोग निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत सारा, लेकिन बहुत थकावट भी रही है इस ट्रिप पर। तो मैं आपको पहले मिलवाती हूँ अरुण और विहान से, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये देखो विहान, आज विहान ने शॉर्ट पहना है ना। काफी अच्छे लग रहे हो तुम, धूप है आज थोड़ी। और ये हैं अरुण, कुछ कहिए इस ट्रिप के बारे में आप। मजेदार ट्रिप है, काफी चीजें पहली बार करी है। आज तो पूरा लोकल साइट सीन पॉइंट्स कवर होंगे। केव्स वगैरह हैं। हाँ, केव्स है, व्यू पॉइंट्स है, टेंपल है, देखो मॉल रोड है। तो अभी आप यहाँ पे कैसे बैठे हैं? वेट कर रहे हैं बस निकलने का। ये लोग वेट कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम लोग। फिर ड्राइवर भैया भी आ चुके हैं हमारे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पर। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके, ताकि लोगों को भी जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं उन लोगों को भी नॉलेज मिले कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम घूम सकते हैं, कौन कौन सी राइड्स हैं जो हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बोटैनिकल गार्डन, बर्ड सेंचुरी, ये बहुत जगह है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते आपको हर टूरिस्ट प्लेस पर मिलेंगे। पर कुछ नया हट के करना, जैसे हॉट एयर बैलून हुआ, बहुत हाइट में बंजी जंपिंग हुई। बंजी जंपिंग भी हर जगह होती है, पर एक बहुत हाइट में होना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए फिर आज देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें होंगी। आज सोच रहे हैं थोड़ा एक्टिविटीज ना करें, और क्योंकि बहुत थक गए दो दिन से, तो मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत थक गए हैं। और फिर कल निकलना भी है, और रोड है, रोड से निकलना है हम लोगों को, तो थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट की टेबल पर। नाश्ता करने से पहले आप लोग मेरा पूरा एक लुक देख लीजिए, एक झलक। ये मैंने सूट पहन रखा है क्योंकि आज टेंपल जाना है हम लोगों को। तो देखिए पूरा सूट है मेरा, बहुत हल्का सूट है ताकि आसानी रहे। और हैंडबैग भी मैंने उसके मैचिंग का ही ले लिया है। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है अपना लुक, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। कैसा ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ इडली सांभर, ये देखिए। पर वो बात नहीं है जो साउथ में है, साउथ की इडली। साउथ तो है ही फेमस, फेमस है इडली डोसा के लिए। यहाँ पे ठीक है, मतलब ओके है, खा सकते हैं आप, पर वो बात नहीं है। यहाँ के आलू के पराठे, पनीर के पराठे, ये सब चीज़ें बहुत है। मैंने यहाँ पे एक पराठा भी लिया है, सिर्फ बिहान खाएगा ये। एक दो बाइट मैं भी टेस्ट कर लूँगी। चलिए फिर खाने के बाद मिलते हैं। पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखिए खुरपा लेक व्यू है, और जैसे गाय के पैर होते हैं ना उसी तरीके का है ये, और अपने कलर चेंज करता है। तो अभी हम देखते हैं धूप में इसका कलर कैसा होता है। देखिए ये ग्रीन कलर का वाटर आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल गाय के पैर के शेप में है ये। तो काफ़ी ऊंचाई से देखा जाता है इस लेक को। देखिए पानी का कलर जो है ग्रीन कलर का है। देखिए टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज करता है कलर ना। अब हम आए हैं वुडलैंड वाटरफॉल पे, देखते हैं अंदर कैसा वाटरफॉल मिलता है हमें। बढ़िया वाला अंदर वाटरफॉल, 150 मीटर बता रहे हैं। अच्छा हाँ, लंबी चढ़ाई है। हाँ 150 मीटर लंबा है, सब जो पहाड़ी लुक में। हाँ, और उन्होंने पहाड़ी टोपी ले ली है यहाँ से, सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, चश्मे और हैट लगा के। ये देखो हमारा तो स्टाइलिश। चलिए चलिए, चढ़ाई है काफ़ी लंबी, ऐसे स्टैचू से बने हुए हैं। थोड़ा बहुत पानी यहाँ से भी निकल रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। और यहाँ देखिए
कि कभी बस का एक्सीडेंट हुआ होगा यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे। एक्चुअली डिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों की चढ़ाई है ना, सही सही बात है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, सांस भी फूल रही है। कार्डियो पूरा हो गया पर हाँ, कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की, है ना। अगर एक महीने साइकिल करो नैनीताल में तो अपने वजन कम हो जाएगा गारंटी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए पूरा पानी निकल रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। और अरुण और विहान जूते उतार के जा रहे हैं। चलिए मैं भी चलती हूँ। वाटरफॉल का पानी तो बहुत ठंडा था, पर यहाँ का जाने का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए इस तरीके से पत्थर हैं कि कांटों जैसे पत्थर हैं बिल्कुल। और मैं यहाँ पानी से खेलते हुए कुछ पोजेस देते हुए अरुण को, और अरुण भी जाकर आ चुके हैं, पर मैं उनकी क्लिप निकालना फिर से भूल गई हूँ। वही है ना कि पानी वानी में कैमरे वैमरे ले जाना सही नहीं रहता है। और देखिए विहान भी आ गया है मेरे पास और मैं उसको डांस करवा रही हूँ। तो बेसिकली पानी इतना ठंडा है ना कि हम लोगों को लिटरली ठंड लगने लगी है। और विहान की टोपी उड़ के जा गई, गिर गई थी, पूरी भीग गई थी, पर वो भैया बोल रहे थे आप पहना दो क्योंकि धूप बहुत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों को। तो ये भी काफी एंजॉय कर रहा था। कैसा रहा वाटरफॉल? है ना विहान? हाँ मुझे भी बहुत तेज। बहुत ठंडा पानी, मतलब इतना कि बर्फ का पानी क्या होगा। हाँ पानी तो बहुत ठंडा था। थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा में। आ जाइए आप भी बैठ जाइए, ऊपर चलो। ये है बोटैनिकल गार्डन में आए हैं अब हम। यहाँ टिकट है पर पर्सन 50 रुपये। और अभी अरुण जो है टिकट ले रहे हैं, फिर उसके बाद लीजिए आप मेरे पर्स से निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ हर जगह ना चलता है, तो थोड़ा कैश लेकर आइएगा आप लोग जब भी आए तो, क्योंकि आमतौर पर यहाँ गूगल पे भी चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं मेन कैश ही है। ख़ासतौर पे जब आप स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे ना तब आपको कैश बहुत ज़रूरी है, वरना आप कुछ नहीं ले पाएंगे। तो आगे चल के मैं बात करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं भी आपको गार्डन। ये देखिए काफी दूर तक फैला हुआ है ये। व्यान आगे जाओ बेटा, यहाँ सारे प्लांट्सों के नाम लिखे हुए हैं। हेयर ट्री देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत दोनों तरफ से हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, इसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। हाँ। अच्छा लगेगा। गजनिया प्लांट, गजनिया भूल जाता है कि पूरा गजनी टाइप नहीं है ये। बॉन्साई ट्रीज वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। हाँ। गार्डनिंग का जिसको शौक है वो यहाँ पे आ सकता है। सबसे अच्छा मौसम है। और ये देखिए एक स्टैचू बना हुआ है सिंगा का, ये देखिए। बिल्कुल असली कैसा लग रहा है। एक छोटा सा फाउंटेन है, शायद रात में चलाते हैं इसे। ये देखिए कितने खूबसूरत। और ये 12 महीने खिलने वाले फूल हैं ये। एक यहाँ पे आर्ट है, काफी खूबसूरत आर्ट है, वो इन्हीं पेड़ों के स्टेम से बनाई गई आर्ट है ये। ये देखिए फिहान काफी एक्साइटेड हो गया, हरियाली तो थी ना। और आप थक के बैठ गए वाटरफॉल के पास, आप थक गए। इनकी तो मैं क्लिप निकाल ही नहीं पाई, आपकी तो मैं। हाँ थोड़ी देर बैठ जाते। इनसाइड म्यूजियम है, म्यूजियम भी है। चलिए फिर चलते हैं, हिम्मत करिए और चलिए। तुम्हारी सांस का फूल रही है। अरे यार बहुत पहाड़ों, मतलब बेसिकली आप कहीं भी जाओ आओ आपको पहाड़ चढ़ना ही है। तुमने खाना भी नहीं खाया ठीक से सुबह, बहुत कम। ठीक है फिर ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो फिर ज़्यादा चल वल नहीं पाते ना इसलिए।
डाइटिंग तो नहीं करी चुपके से? मैं और डाइटिंग, हम दोनों का 36 का आंकड़ा है डाइटिंग और मेरा। चलिए फिर म्यूजियम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इंसेक्ट म्यूजियम ये मैं पहली बार देखूंगी, ये मैंने नहीं देखा है। म्यूजियम तो बहुत सारे देखे हैं, पर ये इंसेक्ट्स वाला पहली दफे देखा है। माय गॉड, ये देखिए, ये उनके सारे अंडे हैं इंसेक्ट्स के। ये देखिए बहुत सारे हैं यार। ये देखिए, यहाँ यहाँ ये लोग रहते हैं। ये देखिए यार, कई बटर, ये वाली येलो और ब्लैक वाली तो बहुत खूबसूरत है ना। खैर, अब हम लोग भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। और इतना बड़ा है कि पूरा तो नहीं घुमा जाएगा, पर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए क्या लाइटिंग है और क्या, मतलब सब चीज़ बताई गई है यहाँ पे। चलिए फिर मैं देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग एक पॉइंट है यहाँ पे, लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। तो अरुण मुझे बता रहे थे उनका लॉजिक, तो अब हम सुनते हैं कि लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट एक ही कैसे हो सकते हैं। तो सुनिए, बताइए जो आप मुझे बता रहे थे, लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट एक संग कैसे हो सकते हैं? पहले लवर पॉइंट में मिलते हैं लवर, है ना, फिर लड़का परेशान होकर सुसाइड पॉइंट में चला जाता है, अगल बगल में स्टे रखा है। सुसाइड पॉइंट भी लड़के नहीं देखेंगे तुम्हें, ऐसा सुना है मैंने। मैं वैसे विश्वास सुना है, गाइड्स चलते फिरते बात करते हैं ना ऐसी। खैर, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, पर ये जो लोकल्स कह रहे हैं, मतलब कोई लोकल नहीं कह रहे हैं, ये इनका अपने मनगढ़ंत लॉजिक है। तो बस अभी हम यहाँ पॉइंट देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। और एक झलक अगर हो सका, फोन ले जाऊं क्या? चलो ले जाती हूँ, है ना, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैगी, भेलपुरी, मैगी का ऑर्डर दिया है रवि, भेलपुरी चल रही है, कैसी है? अपना रिव्यू दीजिए नैनीताल की भेलपुरी का। ठीक है, सो सो खास नहीं है, भूख लग रही है, खा सकते हैं। भूख को तो सब अच्छा लगता है। लवर पॉइंट पे मैंने तो अपने लवर को खिला दी थी। मेरे हाथ में फोन है। ये देखिए, ये है लवर्स पॉइंट, पूरा नैनीताल यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है विहान, कैसा लग रहा है इतनी ऊंचाई पे आके? बहुत अच्छा। और विहान ने क्या पिया था? हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट मिल्क। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लिप, अब हम भी एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोग हैं इको केव गार्डन में, और ये देखिए एक यहाँ ट्री बनाया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इको केव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। खाबड़ घाटों से चलते देखा विहान, ट्री अलग अलग प्राकृतिक साकिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए सब। पहले हम जा रहे हैं टाइगर केव। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कैसे अंदर से गुफाएं बनाई हैं, बहुत सारी केव से, पैंथर, मंकी, बैट्स सारी भी है, फॉक्स, कहीं असली में ना हो यहाँ पे। माइंड योर हेड। चलिए मैं जाके आती हूँ, अंदर तो ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी आपको क्योंकि काफी अंधेरा लग रहा है मुझे।
कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो आधे रास्ते ही लौट आई। बहुत ही संक्रामक रास्ता है, अंधेरा, बहुत फिजिकल पावर चाहिए। मैं और विहान तो आधे रास्ते में ही लौटे आए और अभी चार एक साथ हैं, बहुत डेंजरस है। बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है ना वैसे? फर्स्ट टाइम। चलो एक्सपीरियंस ही बटोरने आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और क्या क्या है। विहान को मिल गए इसके झूले और ये स्लाइडिंग ग्लाइडिंग सब पता नहीं क्या क्या करता, डोल रहा है। अब यहाँ से निकालना इसको आसान नहीं है जी, बहुत मुश्किल है। इसको मैं कह रहा था वहीं से लौट चलते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, ये भी तो एंजॉय करना चाहिए ना। हाँ, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते। कहाँ चलेगा विहान? इधर से उधर टनल समय से घुस रहा है, निकल रहा है। ये देखिए ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं लगेगा। ओह माय गॉड, विहान आज पूरा सूखने लग जाएगी आपके। देखो विहान, ये वन ऑफ द हाईएस्ट व्यू पॉइंट नैनीताल का। यहाँ से पूरे नैनीताल की झील नजर आ रही है जो कि मैंगो शेप में है। बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है और मौसम भी बहुत ही क्लाउडी है, परफेक्ट वेदर। और यहाँ पर विहान ने शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको तो बच्चों को तो सिर्फ अपने गेम्स चाहिए और बच्चों के साथ साथ अरुण ने भी शूटिंग कर ली है यहाँ पे। तो बेसिकली नीचे पानी की बॉटल्स टंगी हुई थी, उन पे शूट करना था, भरी हुई बॉटलों को फोड़ना था। तो ये लोग अपनी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और मौसम बहुत सुहाना हो गया है क्योंकि ओले गिरे हुए थे और मैं यहाँ पे सारे व्यू पॉइंट्स देख रही हूँ। ये भैया मुझे दिखा रहे हैं कि मैंगो लेक क्या है और अमिताभ बच्चन का कौन सा स्कूल था। तो ये सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत पास से नजर आते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका भी। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं, है ना? जो तभी आप हमारा टीका देख सकते हैं, नीम करौली बाबा जी ने स्थापित किया है। बहुत ही शांति से परिपूर्ण, बहुत बहुत सुंदर टेम्पल है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ सेल्फीज लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम इस रबर ब्रिज में रुक ही गए हैं और यहाँ आप देखेंगे काफी टूरिस्ट अपने अपने फोटोज खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे ना कोई पानी आपको नजर नहीं आ रहा, पर एक पानी की साउंड है, पता नहीं कहाँ से है पर एक साउंड आती है यहाँ वाटर की। हाँ सही कह रही हो तुम, है ना, एक वाटर साउंड है। अब हम लोग जा रहे हैं श्री माँ नैना देवी के मंदिर और यहाँ बारिश भी गिर रही है, कभी तेज हो जाती है कभी हल्की। नैनी लेक है और यहाँ पे फोटो लेना बिल्कुल मना है। कैसा रहा टिबेटन मार्केट? बहुत क्राउड है भाई, अभी मॉल रोड भी जा रहे हैं हम लोग। दर्शन बहुत अच्छे हुए लेकिन नैना देवी जी के दर्शन, और उसके बाद हमारे दर्शन करने के बाद योगा भी चालू होगा। अच्छा ठीक है, तो वही बहुत क्राउडेड है और अब तो धूप निकली है, तो ओले गिरे थे जो भागे हैं हम लोग लदर पदर। अभी हम यहाँ रुके एक रेस्टोरेंट में, विहान को डोनट खाना है तो उसके लिए डोनट आ चुका है। भाई साहब का डोनट दिखने में तो काफी फ्रेश लग रहा है, काफी फ्रेश और यम लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब डायरेक्ट होटल में ही मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि पैरों की तो वाट लग चुकी है और हालत भी देखिए क्या हालत हो रही है। नहीं सही लग रही हो, सही लग रही। चलो ठीक है, कुछ चलते फिरते खा लेंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट होटल चलेंगे। ठीक है, फिर होटल में मिलते हैं आपसे। हम आ गए मॉल रोड के मार्केट में, काफी अच्छी वॉक है यहाँ पे, बहुत सारी दुकान है। ब्यूटीफुल नैनीताल, और आप ये देख सकते हैं लेक है यहाँ पे। जो तुम ले रही हो बटर स्कॉच, यहाँ पे आइसक्रीम चल रही है।
सॉफ्टी बटरस्कॉच आप कोई और लेंगे क्या? नहीं बटरस्कॉच। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं होटल और बहुत थकावट हो गई। तो मॉल रोड चलते चलते ऑलमोस्ट हम लोग 3-3.5 से ज़्यादा ही किलोमीटर हम लोग चले होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ड्राइवर ने तो हमें काफ़ी दूर पहले ही छोड़ दिया था, बोला पास में ही है मंदिर पास में ही है, पर वो पास में तो हमें मिला नहीं मंदिर। करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद मंदिर आया था नैना देवी जी का, पर बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आज का दिन भी थकावट भरा रहा है, पर उतना भी नहीं रहा है। अब चले हैं तो थकावट तो देखिए होगी, और आप ट्रिप को थकने वाला ही मानिए, पर एंजॉय भी तो करा है आपने, वो चीज़ भी देखी है ना। तो बस इसी तरीके से आज का दिन हुआ समाप्त, और थोड़े अरुण के विचार जान लेते हैं। 3.5 घंटे से हम कहीं बैठे नहीं है, और करीबन ड्राइवर ने 4 बजे छोड़ दिया। वहां से उतर के हम गए मार्केट, फिर मंदिर, फिर वापस टिबेटन मार्केट, मॉल रोड, पूरा मॉल रोड कवर करते हुए 3.5 घंटे मतलब कंटिन्यूस हम चले हैं कहीं ना कहीं। आपने झलकियां तो देख ही ली होंगी इस ब्लॉग में, और अगर मुझे इधर उधर कहीं और किसी फोन में दिखाई देती हैं, मतलब जो जैसे सपोज अरुण ने कोई क्लिप ले ली होगी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पैसे लूंगा मैं। ठीक है, और हम देखते हैं विहान से, विहान भी बहुत थक गया है। विहान क्या कर रहे हो? ये खेल रहा हूं। ये अपना छोटा सा टॉय ले आया है, ट्रायंगल रूबिक्स क्यूब। हाँ इसे बहुत पसंद है, तो यही सब खेल रहा है ये भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय बोल दीजिए जी, क्या कर रहे हैं आप? गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय बोल दो विहान। गुड बाय, बाय फ्रेंड्स।